यामा R15 वर्जन 4 एक बहुत ही बेहतरीन बाइक 150-160 सीसी सेगमेंट में। इस सेगमेंट में जिनको स्पोर्ट्स लुक वाला बाइक चाहिए, पावरफुल बाइक चाहिए, उनका पहला पसंद होता है R15 वर्जन 4। लेकिन इस बाइक में कुछ खूबियां हैं, उसी तरह से कुछ कमियां भी है। गाड़ी ज्ञान के आज के एपिसोड में इस बाइक के कुछ बेहतरीन खूबियां और कुछ ऐसी कमियों के बारे में बात करेंगे जो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। बाइक को लेने के बाद इन कमियों को झेलने से बेहतर है इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल R15 वर्जन 4 में क्या कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। सबसे पहले इस बाइक के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इस बाइक का पॉजिटिव है वो है इसका पावर। इस सेगमेंट में जो बेहतरीन पावर ये ऑफर करता है वो लाजवाब है, अनब्रेकेबल है। 18.2 bhp की मैक्सिमम पावर और 14.2 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क के साथ में ये बाइक आता है। बहुत ही बेहतरीन पावरफुल बाइक है। जो पावर है, जो पिकअप है, इस बाइक को चलाने का जो मजा है वो अल्टीमेट है। पावर के मामले में इस सेगमेंट में इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा इस बाइक का पॉजिटिव है इस बाइक के लुक्स। इस बाइक में जो लुक्स दिया गया है वो स्पोर्ट्स बाइक के रूप में बहुत ही जबरदस्त लुक है। लगभग 2 लाख के बजट में ये बाइक आपको एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक का फील दे देगा। किसी को अगर नहीं पता है कि R15 वर्जन 4 कितने सीसी का आता है, उनके लिए गेस करना भी मुश्किल है कि ये बाइक 155 सीसी का है। जो लुक्स इस बाइक के है, उस लुक के लिए पूरा यूथ इसका दीवाना है। R15 वर्जन 4 का तीसरा बड़ा पॉजिटिव है इस बाइक में जो फीचर्स आपको मिलते हैं। इस सेगमेंट में इससे बेहतर फीचर्स और हो ही नहीं सकता। USD फोक्स आपको मिलते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है, स्लीपर क्लच आपको मिलता है, राइडिंग मोड्स है गाड़ी में, स्पोर्ट्स मोड है, ट्रैक मोड है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, और आपको क्या चाहिए। जो इस सीसी सेगमेंट में फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये बेस्ट बाइक है फीचर्स के मामले में। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इस बाइक के कुछ पॉजिटिव है एज वेल एज कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। R15 वर्जन 4 का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नेगेटिव है जो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा वो है इसका कम्फर्ट। ये बाइक बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं है, चाहे आप राइडर की बात कर लीजिए, चाहे आप पिलियन की बात कर लीजिए। सबसे पहले जो राइडिंग पोस्चर है वो इतना ज्यादा लीन और एग्रेसिव है कि आपके हाथ में दर्द होगा, आपके कमर में दर्द होगा। और इस बाइक को अगर आप 3-4 साल रख लेते हैं तो ये जो दर्द है कमर में और हाथ में, ये आपका परमानेंट दर्द बन जाएगा। फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है और इस दर्द का इलाज करवाना है। लॉन्ग जर्नी के लिए अगर इस बाइक को आप ले रहे हैं तो एकदम इस बाइक में मत जाइए, क्योंकि पावर अच्छा मिलता है, पिकअप अच्छा है, बाइक का पुलिंग पावर अच्छा है, लेकिन इस बाइक में जो सीटिंग पोस्चर है वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। लॉन्ग राइड अगर आप करते हैं तो आपका कमर का धज्जिया उड़ने वाला है, हाथ में, कंधे में, कमर में, हर जगह पर आपको दर्द महसूस होगा। 50 किलोमीटर से ज्यादा इस बाइक में आप पीछे बैठ नहीं सकते क्योंकि इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल इसका पिलियन सीट है। नेक्स्ट जो इस बाइक का मुझे प्रॉब्लम लगता है वो है इसका मडगार्ड जो है वो यूजलेस है। रेनी सीजन में अगर आप पीछे बैठे हुए हैं तो आप कीचड़ से भीगने वाले हैं। गाड़ी जैसे ही कीचड़ से गुजरेगा, मडगार्ड का काम कुछ भी नहीं है, वो कीचड़ सीधा आपके पैंट पर लगेगा, जूतों पर लगेगा और आपको जो है वो कहीं का नहीं छोड़ेगा। अभी भी रेनी सीजन में आप R15 वर्जन 4 में पीछे बैठकर देखिएगा, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि ये जो पॉइंट है ये सही है या फिर गलत। थर्ड जो इस बाइक का नेगेटिव है वो है इसका प्राइसिंग। इसका प्राइसिंग इस सीसी सेगमेंट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा हाई है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको और भी गाड़ियां मिल रहा है जो इससे ज्यादा पावरफुल है, जो इससे ज्यादा कंफर्टेबल है, तो अगर आप चाहते हैं तो उनमें भी जा सकते हैं। इस पॉइंट में मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बजट 2 लाख तक है तो आपके पास में इससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि V4 में कुछ बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। अगर आप V4 यूजर हैं और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है बाइक में जो मैं मिस आउट कर चुका हूं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ खूबियां ऐसा है जो मैं मिस आउट कर चुका हूं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए, गाड़ी ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।